मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया गया है। वहां महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। साथ ही शिकायत लेकर थाने में आने वाली महिलाओं की फरियाद सुनने के लिए के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा उनके लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बारे में उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा महिला थाने पर आई महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही मिशन शक्ति अभियान के बारे में महिलाओं को बताया गया और महिलाओं के लिए बनाए गए नियम कानूनों के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही उनको मिशन शक्ति योजना के तहत सुरक्षा के लिए महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090 181 112 108, पुलिस कंट्रोल नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में जागरूक किया गया और महिला सशक्तिकरण के प्रचार प्रसार हेतु प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर महिला थाने में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस दौरान थाने में मौजूद महिला फरियादियों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के प्रति चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए प्रदेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला फरियादियों ने कहा, सम्मान दिया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाए। आप लोगों बहुत लोग घर में रहती हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि हमें हेल्पलाइन नंबर हमारे क्या है। घर पे भी रहेंगे भी आप लोग पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती हैं, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर बनाए गए। जैसे इसमें देखेंगे पहला नंबर क्या है, 1090 1090। आप अपनी कोई भी समस्या को लेकर इससे फ़ोन कर सकती हैं, इसमें आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, वो किसी को बताई नहीं जाती है। 188 घरेलू हिंसा, सभी लोग घरेलू हिंसा से प्रभावित हैं, कोई पति से प्रताड़ित है, कोई सास से, कोई देवर से, कोई ससुर से, जो भी घरेलू हिंसा में सब आता है। तो आप घर बैठे बैठे 181 नंबर पे फ़ोन करके अपनी कंप्लेन को, अपनी जितने आपकी शिकायत है उसको दर्ज करा सकते हैं। और ये जो नंबर होते हैं ये फ्री रहते हैं, मतलब मोबाइल में पैसा नहीं भी होगा तो ये इमरजेंसी नंबर है, तभी वो फ़ोन लगेगा पुलिस की आकस्मिक सेवा के लिए। जैसे आप कहीं जा रही हो, झगड़ा हो रहा है, गिर गए, चोट लग गए, या आपको तुरंत पुलिस की आवश्यकता पड़ गई कि हमें पुलिस चाहिए, उसके लिए है 112 112 112 नंबर। हर जगह गाड़ी देखते हो चौराहे पे खड़ी रहती है, तो कहीं भी फ़ोन करोगे तो वहाँ पे वो पुलिस 10-15 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस वहाँ पे मदद के लिए पहुँचेगी और जितनी आपकी मदद हो सकेगी वहाँ पे पुलिस आपकी करेगी। एम्बुलेंस का नंबर, किसी को स्वास्थ्य सेवा चाहिए, एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है, 108 एम्बुलेंस के लिए। किसी को स्वास्थ्य सेवा के लिए पुलिस की आवश्यकता है तो वो 108 नंबर है, उस पर फ़ोन करके आप स्वास्थ्य सेवा के लिए एम्बुलेंस अपने घर पे आप बुला सकते हैं। तो ये सब ऐसे नंबर है जिनके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा तो भी लगेगा, इसीलिए इसको इमरजेंसी नंबर कहे जाते हैं। आप कभी भी कहीं से भी उन नंबरों को लगा सकते हैं। महिलाओं के लिए कई योजना चलाई गई हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई योजना, ये आप समाज कल्याण ऑफिस से, महिला कल्याण ऑफिस से, जहाँ पे भी आप रहते होंगे, अपने सभासद से, ग्राम प्रधान से, उन लोगों से आप योजनाओं के बारे में पूछ सकती हैं। और उसकी कॉपी भी है मेरे पास, अभी हम आपको वो दे भी देंगे, आप लोग उसको पूरी जो भी योजनाएँ हैं उसको पढ़ लीजिएगा और उसको देखिएगा, आपके लिए जो भी योजनाएँ का लाभ उठा सकती हैं गवर्नमेंट द्वारा, आप उनका लाभ उठाइए। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनेंगी तो आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगी, सशक्त बनेंगी। जब आप सशक्त होंगी तभी समाज सशक्त होगा और तभी परिवार भी सशक्त होगा आपका, तब समाज सशक्त होगा। तो सबको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और नंबर जैसे इसमें आपका चाइल्ड लाइन नंबर 108 नंबर है, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए या तो मोबाइल में फ़ोटो ले लीजिए। ये सब नंबर अभी आप नोट कर लेंगे ना, आप लोगों को कभी ना कभी काम आएगा ये सब नंबर। सरकार की भी योजना है और हम लोग भी चाहते हैं कि सभी महिलाएं जो हैं आगे हैं कि नहीं, किसी से कोई पीछे नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम औरत हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। नाम कुछ है क्या चली है, हम लोगों को अपना सशक्तिकरण करना है, मजबूत बनना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, और अगर किसी चीज़
पिता से। जी हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को अपने आप पे खुद सशक्तिकरण मतलब निर्भर होना चाहिए, अपने पति के ऊपर नहीं। क्योंकि सर हम लोगों को अपने ऊपर इसलिए निर्भर होना चाहिए कि हम लोग अपना खुद का काम धाम करें और उन लोगों के ऊपर ना निर्भर रहें। और हम लोग को किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग पुलिस हेल्पलाइन तो जा करके सहायता ले सकते हैं। आप लोगों को आज क्या क्या कुछ बताया गया है यहाँ? जी यहाँ पे हम लोग को ये बताया गया है कि हम लोग को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम लोग महिला वुमेन पावर और पुलिस महिला हेल्प पुलिस लाइन नंबर और 102 स्वास्थ्य केंद्र में कभी भी जा करके किसी भी नंबर पे बिना किसी बैलेंस के भी डाल कर सकते हैं। अगर बैलेंस ना हो फिर भी डाल कर सकते हैं, हम लोग के लिए वो सुविधा निःशुल्क है। आप लोग द्वारा सरकार द्वारा ये योजना लागू किया गया है, इसके लिए सरकार के संबंध में क्या कहते हैं? जी हम लोग इस योजना से बहुत ही खुश हैं। धन्यवाद। सुमन लोग को महिला शक्ति मिशन के बारे में जागरूक किया गया है, हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया है। हम घरेलू किसी भी मुसीबत में हो तो किसी भी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी मदद कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं। पुलिस हमारी मदद करेगी, जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं उन पे हम कॉल कर सकते हैं। सरकार द्वारा ये योजना अपने द्वारा चलाई गई है, इस संबंध में सरकार के प्रति क्या कहना चाहेंगे? अच्छी योजना है। क्या था इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुमित्रा देवी, देखिए हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया गया है, जो मिशन चला है उसके बारे में हम लोगों को जागरूक किया गया है, हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया गया है। हम लोग घर पर 108 नंबर के फोन से मदद पुलिस की ले सकती हूँ। यही महिला थाने पे आती हैं आप लोग, तो यहाँ क्या आप लोगों की फरियाद को बखूबी सुना जाता है? नहीं नहीं, हम लोग अपना समस्या को बताती हैं और बहन जी हैं जो पुलिस हैं वो लोग हम लोगों की समस्या सुनती हैं। हम लोग जागरूक तो होते हैं, अपनी समस्या को कहते हैं, इससे हम बहुत सहमत हैं। महिला थाने के आने के बाद आप लोगों को न्याय मिलता है? तो बिल्कुल न्याय मिलता है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस विभाग के लिए? मैं धन्यवाद देती हूँ इस विभाग के लिए, हम लोगों को बहुत मदद मिलती है। घर बैठे हम लोगों के मोबाइल में पैसा नहीं रहता है तो बिना पैसे का हम लोग पुलिस पर अथी करके फ़ोन करके और मदद ले सकते हैं। किसी का भरोसा नहीं कर अपने आप अपना स्वयं हम लोग अथी कुछ भी करके अपना अथी कर लेते हूँ।